जस्ट अनदर क्वेश्चन जहां पर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एक ही लगेगा। यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी हाइट है 0.5 मिलीमीटर, वो 20 सेंटीमीटर पे है इस पॉइंट से, ये पॉइंट पी मान लेते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है एक सीधा सा हेमिस्फेरिकल सरफेस, और उसके बाद फिर वो मटेरियल कंटिन्यू आता है। तो बेसिकली ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। तो जाहिर सी बात है बाहर में क्या होगा, बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन एयर होगा तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जस्ट 1। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकेट द इमेज, यानी कि हमें वी निकालने को कहा जा रहा है पहले। तो अगर यहां पर हम देखें तो बेसिकली जब लाइट आ रही है तो लाइट पॉइंट पी से पास कर रही है, तो पॉइंट पी ये जो सरफेस है ये बेसिकली कौन सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस में क्या करना पड़ेगा हमें, कर्व्ड सरफेस सिंपली कर्व्ड सरफेस में रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ेगा। तो लाइट बेसिकली यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रही है ओवर ए कर्व्ड सरफेस, एंड यूजिंग द कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला वी कैन इजिली फाइंड वेयर इज वी। तो यहाँ पर सेकंड मीडियम क्या लेंगे हम, 1.5, चूंकि ऑब्जेक्ट तो एयर में है और दूसरे किसी मीडियम में इमेज बन रही है, वैसे वैल्यू से दिख रहा है कि इट्स ग्लास, तो फिर 1.5 यानी कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू अगेन म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, थोड़ी में प्रैक्टिस हो गई है। तो म्यू टू इज 1.5, वी हमें निकालना है तो रहने देते हैं, माइनस म्यू वन क्या है, वो तो वन है, एयर ऑब्जेक्ट एयर में है, डिवाइड बाई यू। यू कहाँ से लेना चाहिए हमें, पोल से, इस पॉइंट पी से लेना चाहिए। पॉइंट पी से यू निकालने के लिए किधर जाना पड़ेगा हमें, हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा, लाइट तो ऑब्वियसली बात इधर से ही आ रही है ना, लाइट का डायरेक्शन तो ये है, यानी कि हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा। जब हमें ऑपोजिट जाना पड़ेगा इसका मतलब यू क्या होना चाहिए, यू शुड बी नेगेटिव, तो दिस विल बी व्हाट, दिस शुड बी -20। इधर से क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू क्या लेंगे हम, 1.5 माइनस म्यू वन क्या लेंगे, 1 डिवाइड बाई आर। अब देखिए सरफेस हमारा कुछ ऐसा है कि आर निकालने के लिए ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, यहाँ जो 5 सेंटीमीटर वो साफ दिख रहा है कि ये बेसिकली इसका सेंटर पॉइंट है, तो यानी कि जो रेडियस होगा ऑफ कर्वेचर दैट इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें पी टू सी जाना पड़ेगा। तो जब हम पी टू सी जाना पड़ रहा है तो अगेन हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं, हम लाइट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। जो हम लाइट के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब कि ये टर्म क्या होना चाहिए, टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी सिंपली 5। ओके, तो ये इजिली आपको पहले सारे टर्म्स बन गए, तो ये टर्म आपको ओवरऑल क्या बन गया, तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 1.5 डिवाइड बाई वी दिस शुड बी इक्वल टू वॉट, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ओवरऑल इधर जाके माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/20, एंड इस साइड क्या रहेगा, ये 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कैलकुलेट करके वी हमें आ जाता है 30 सेंटीमीटर। तो हमें हमारा पार्ट ऑफ वन ऑफ द आंसर हो गया कि हमें इमेज मिल गई, इमेज की पोजिशनिंग 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इमेज बनेगा कुछ 30 सेंटीमीटर आगे। तो इसलिए आपको पहले से ये पॉइंट शो हो करके भी रखा हुआ है, तो इमेज हमारा कुछ यहाँ पर बनता है। आप देख लो इस पॉइंट पी से 30 सेंटीमीटर पर ही है, तो इस फिगर में जो हमारा कैलकुलेशन था उससे फिगर क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये फिगर सही ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर हम देखें कि हमें अब मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए अगेन क्या चाहिए, हमें पूछा जा रहा है हाइट, तो हाइट का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला हमें क्या सीखा है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला है म्यू वन वी डिवाइड बाई म्यू टू यू। तो म्यू वन क्या था हमारे पास, वो तो एयर था, तो म्यू वन तो वन ही हो गया, वी हमें क्या मिला, वी हमें मिला 30। म्यू टू क्या हमारे पास, म्यू टू है 1.5 ग्लास सेकंड मीडियम जहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, इंटू यू। अब यू क्या लेना चाहिए हमें, यू हमारे पास पीछे की तरफ था देने की -20, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर -20 से, तो ओवरऑल वैल्यू आपको आ जाती है यहाँ पर -1। तो चूंकि नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैग्नीफिकेशन हमारा क्या कर रहा है, मैग्नीफिकेशन कुछ इस तरह हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्टेड हो रहा है, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, मैग्नीफिकेशन को इक्वेट कर सकते हैं हम हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि हमें दी हुई थी 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 × -1, यानी कि यह हो गया आपको -0.5 मिलीमीटर। तो माइनस साइन से साफ समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, सॉरी इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि नीचे की तरफ। तो देखो फिगर में भी पहले से दिया हुआ था कि ये नीचे की तरफ फॉर्म करेगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा इजली सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने पहले वी निकाला फिर वी का इस्तेमाल करके हमने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया। फाइन,